पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश रचने की अफवाहों का मामला, पाकिस्तान के इस्लामाबाद की पुलिस अलर्ट, शहर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। देशभर में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 4,270 नए केस, 24 घंटे में 2,619 मरीज रिकवर, इस दौरान 15 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत। बढ़ते कोरोना केस के साथ भारत में तेजी से हो रही कोरोना की टेस्टिंग, कोरोना केस में बढ़ोतरी के बाद लिए गए 4,45,814 कोरोना टेस्ट के सैंपल, अब तक कुल 85,22,09,788 कोरोना के टेस्ट लिए गए। सूत्रों के हवाले से सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर, सिरसा के कालावली से जुड़े सिद्धू मूसेवाला के हथियारों के तार, कुछ युवकों ने हत्यारोपी को करवाई रेकी, एक युवक की बाइक का रेकी करने में हुआ इस्तेमाल। सोनीपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध गैंगस्टर प्रियवत उर्फ फौजी पर रखा 25,000 का इनाम। यमुनानगर के जोगादरी में दिलप्रीत दिल गैंग के 6 और गुर्गे गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ खुलासा, लूटपाट और हत्या करने के बाद हथियार और वाहन को खोलकर गांव के तालाब में डुबो देते थे बदमाश, अब तक 9.5 लाख रुपए बरामद, पुलिस ने तालाब से बरामद किए बाइक, पिस्टल और वारदात के दौरान पहने कपड़े। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 13 मजदूरों की मौत, कई लोगों के अस्पताल में हालत गंभीर, आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। हापुड़ हादसे पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया, अधिकारियों को मामले की जांच के दिए आदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में होंगे शामिल, कुछ ही देर बाद विज्ञान भवन में शुरू होगा कार्यक्रम, पीएम मोदी सभा को करेंगे संबोधित। वाराणसी का दौरा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, करीब 1 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति, हेलीकॉप्टर से बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस जाएंगे राष्ट्रपति, शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत सीएम योगी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन, कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर जताएंगे रोष, सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया होंगे शामिल। पंचकुला में हुआ खेलो इंडिया 2021 का रंगारंग आगाज, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम मनोहर लाल समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। पंचकुला में नगर निकाय चुनाव पर आज हरियाणा बीजेपी की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने बुलाई चुनाव प्रभारियों की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारियों से फीडबैक लेंगे और आगामी निर्देश देंगे। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह करेंगे जनता की समस्याओं का समाधान, अधिकारियों को योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में देंगे आवश्यक दिशा निर्देश, विभिन्न विभागों के अधिकारी भी रहेंगे उपस्थित। हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा होंगे शामिल, समारोह में पर्यावरण को लेकर किया जाएगा जागरूक। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी का बीजेपी को समर्थन, गोपाल कांडा ने कहा सीएम मनोहर लाल के निर्देशानुसार करेंगे वोट, हम सीएम और बीजेपी के फैसले के साथ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर, आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं सीएम जयराम। सोमवार को जयराम मंत्रिमंडल की बैठक, राज्य सचिवालय में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक, 125 यूनिट फ्री बिजली पर हो सकता है फैसला, मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी लगेगी मुहर, प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे पर चर्चा संभावित। अंबाला में युवती के ऊपर हमला करने वाले सिरफिरे आशिक का शव बरामद, पुलिस ने करनाल के रॉस रेजिडेंस के एक फ्लैट से किया सिरफिरे आशिक का शव बरामद, सिरफिरे आशिक की मौत के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा, शरीर पर मिले हैं कई चोट के निशान। फरीदाबाद में पत्नी और उसके दो दोस्तों से तंग आकर कोच ने किया आत्महत्या, अपने माता पिता को सुसाइड नोट में लिखकर बताई वजह। यमुनानगर में शॉर्ट सर्किट के कारण कई झोपड़ियों में लगी आग, घर पर रखा सारा सामान जलकर हुआ राख, किसी के हताहत होने की नहीं खबर। अंबाला में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने छोटी मंडी के समीप अवैध शराब की 113 चोटियां पेटियां भी की बरामद, छोटी मंडी में रहने वाले एक शख्स के घर से बरामद हुई शराब की पेटियां। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को रेशीपोरा गांव में संयुक्त अभियान में मार गिराया।
पंचतत्व में विलीन हुई शहीद प्रवीण गुसाई, पिता ने नम आंखों से दी शहीद को मुखाग्नि। शोपियां बम धमाके में शहीद हुए थे प्रवीण। देहरादून में दो बच्चों की नदी में डूबने से मौत, एसडीआरएफ ने निकाले दोनों के शव। नदी में नहाने गए थे चार बच्चे, दो बच्चों के ना लौटने पर चलाया सर्च ऑपरेशन।